हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, मेघालय से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने NESAC यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर होम पेज यहाँ डाउन में करियर सेक्शन में ही 12 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। रिसर्च साइंटिस्ट एंड रिसर्च फेलो के लिए है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल्स को देख सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एंड रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल्स डाउनलोड करके क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। NESAC/RMT-TMP/02/2022। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी टेम्प्रेरी बेस पर है एंड प्रोजेक्ट वाइज ये वैकेंसी है। तो अलग अलग पोस्ट में सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट के लिए लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम एंड मणिपुर के लिए। रिसर्च साइंटिस्ट में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अगर आपके पास ME या MTech सिविल में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है, या रिमोट सेंसिंग या GIS में इक्विवेलेंट है, या आपके पास BE/BTech सिविल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट 2 में, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर MSc MTech जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में, जियोफिजिक्स में, अर्थ साइंस में, या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है, या आपके पास इंटीग्रेटेड MSc इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी के साथ में BSc आपका जियोलॉजी में मेन सब्जेक्ट है, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट में, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। रिसर्च साइंटिस्ट 3 में, यहाँ पर MSc MTech बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या रिमोट सेंसिंग में, या जी इन्फॉर्मेटिक्स में, या आपके पास BSc किसी भी नेचुरल साइंस में होना, नेचुरल साइंस सब्जेक्ट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। रिसर्च साइंटिस्ट 4 में भी 1 वैकेंसी है। MSc MTech फिजिक्स में, मेट्रोलॉजी में, या एटमोस्फेरिक साइंस में, या अर्थ साइंस में, या आपके पास इसके इक्विवेलेंट डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। RS-05 में भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर भी MSc MTech डिजास्टर मैनेजमेंट में, जियोग्राफी में, या अप्लाइड जियोग्राफी में, या जियोलॉजी में, या इन्फॉर्मेटिक्स में, या जियोमेटिक्स में, या रिमोट सेंसिंग में, या जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, या इक्विवेलेंट डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है RS-06 में, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है। MEMTech रिमोट सेंसिंग में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या IT में है, या आपके पास BE/BTech कंप्यूटर साइंस में है, या IT में है, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, या इक्विवेलेंट डिग्री है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। RS-07 में भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर MSc या MEMTech रिमोट सेंसिंग में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या IT में, या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के साथ में, या सिविल इंजीनियरिंग, या IT में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या जियोमेटिक्स में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका RS-08 में भी 1 वैकेंसी है। MEMTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या IT में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। BE/BTech आपके पास IT या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डॉपलर प्रोजेक्ट। यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार एट सोहरा में है। यहाँ पर RS-09 में 1 वैकेंसी है। MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास संबंधित डिसिप्लिन में या संबंधित सब्जेक्ट में PhD डिग्री है, तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। नेक्स्ट जूनियर रिसर्च फेलो के लिए देख लेते हैं। JRF-1 में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। MSc जियोलॉजिकल साइंस में है।
साथ ही आपके पास वैलिड नेट गेट या एनजेट का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है, स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चर जियोलॉजी में या जियो मॉर्फोलॉजी में या मेटाफोरिक जियोलॉजी में, रिमोट सेंसिंग जियोलॉजी में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है JRF-02 में, 7 वैकेंसी है। यहाँ पर MA या MTech सिविल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, या आर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग में, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या रिमोट सेंसिंग एंड GIS में, या इक्विवेलेंट डिग्री है वाटर रिसोर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास नेट गेट एनजेट रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए, या आपके पास MSc रिमोट सेंसिंग में एंड GIS जियोलॉजी में, या इन्वायरमेंटल साइंस में, या इक्विवेलेंट डिग्री वाटर रिसोर्स में है एंड नेट गेट एनजेट क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है JRF-03 में, 1 वैकेंसी है। MA MTech किसी भी डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास वैलिड गेट नेट एनजेट सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है एंड नेट एंड गेट एंड जेट क्वालिफाइड मांगा गया है। JRF-03 ये बेंगलुरु में इसकी पोस्टिंग होगी ISTRAC के सेंटर पर। एंड एलिजिबिलिटी में यहाँ पर कम से कम MA MTech लेवल पे आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, या BTech MSc लेवल पे 65% मार्क्स कम से कम मांगा गया है। साथ ही जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के हैं वहाँ पर आपका गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी मांगा गया है। एज लिमिट देख लेते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 30 नवंबर 2022 तक एज की काउंटिंग की जाएगी। मैक्सिमम 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। JRF के लिए 28 ईयर मांगी गई है। SC/ST को यहाँ पर 5 ईयर, OBC को 3 ईयर की एज में छूट दी जाएगी। एंड टेन्योर एंड पोजीशंस की बात करें, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 1 ईयर का आपका टेन्योर रहेगा, जिससे बाद में एक्सपीरियंस को एंड परफॉर्मेंस को देखते हुए 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जबकि JRF के लिए शुरुआत में 1 ईयर का रहेगा, बाद में आपको मैक्सिमम 5 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स में यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलेगी रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, एंड JRF के लिए 31,000 का फेलोशिप यहाँ पर मिलेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, 14 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए ईमेल के थ्रू ही यहाँ पर सेंड किया जाएगा। वही देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। मान लीजिए आप रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन प्रिंट आउट, हाउ टू डाउनलोड, अप्लाई ऑनलाइन, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये पूरी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिसर्च साइंटिस्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी गई हैं, पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड यहाँ पर आपको सिंगल PDF फाइल अपलोड करनी है, उसके बाद आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, देन आप यहाँ पर कैप्चा को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।